वेलकम दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वो गीत आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप लोगों ने सुना होगा लेकिन कभी सोचा नहीं होगा इसे हम किस तरीके से निकालेंगे। आज प्रॉपरली जो है वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे बहुत तरीके से मोड़ना चाह रहे हैं, अर्थात गीत को मोड़ा कैसे जाता है, तोड़ा कैसे जाता है और कैसे जो है उस पर हम कई तरीके से तर्ज, उस एक ही तर्ज को कई तरीके से गा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसा भी ढोलक या तबला बजाने वाला हो उस प्रकार से वो जैसा भी बजा रहा हो उसी तर्ज में हम उस चीज़ को ले जाएं। तो बात ये करते हैं हम किस तरीके से उसको जो है प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम गा सकते हैं इसे। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से इसे हम गाएंगे और प्ले करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आ जाइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं गीत हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा नोट्स उसमें नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, भजन है, बहुत प्यारा भजन है। अब देखिए इसे हम प्ले करेंगे किस तरीके से। इस रिहाज में आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा संगीत सीख सकते हैं। प्रॉपरली जो चीज़ सिखाई जाती है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है और इतनी जल्दी सीख जाते हैं, उसमें आप चाहकर भी गलत नहीं गा सकते हो। सरगम तो इतनी अच्छी तरीके से गा सकते हो यार कि कुछ कहने को नहीं। सरगम को आपका सुर एकदम एकत्रित हो जाएगा, सुर ज्ञान बहुत जल्दी हो जाएगा अगर इसे आप डाउनलोड करते हैं। इसमें हर प्रकार के आपको लेसन मिल जाते हैं, जैसे आप भजन सीखना चाहें, राग सीखना चाहें, फिल्मी गीत सीखना चाहें, आप जिस तरीके का भी संगीत सीखना चाहें इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेगा। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड उपयोग। ये तो प्रेमों की बातें, पहला तरीका, ये तो प्रेमों की बातें बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेमों की बातें यहाँ सरहद के होते हैं सौदे, यहाँ सरहद के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं। ये पहला तरीका, आप दूसरा देखिए, ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो, ये तो प्रेमों की बातें बंद की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेमों की बातें हैं उधम, बंद की तेरे बस की नहीं है, यह सरहद के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की ठीक है। तीसरी तर्ज, ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो, बंद की तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो, बंद की तेरे बस की सरहद के होते हैं सौदे, आस की तेरे बस की नहीं। ये चीज है, एक ही तर्ज को हम कई प्रकार से गा सकते हैं, जितना चाहें उतनी प्रकार से हम उस तर्ज को गा सकते हैं। अब प्रॉपरली हम जितनी तर्जों में आपको बताया तो विद अंतरा के साथ में आपको हम समझा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हम इसे गाएंगे और बजाएंगे। पहली तर्ज हमने बताई, ये तो प्रेमो, या फिर ये तो प्रेमो, दोनों तरीके से का सारे गापा या सा गापा, ठीक है। ये तो प्रेमो की बातें, फिर देखो, ये तो प्रेमो की बातें, फिर एक बार समझ लो, लास्ट बार बता रहा हूँ, ये तो प्रेमों की बातें हैं, यहाँ पर हैं आ जाएगा, ठीक है। ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो सारे मागारे सा,
समझ गए हो ना। ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो। अब देखो इसे फिर एक बार देखो। ये तो प्रेमो, क्लियर? ये तो प्रेमो की बातें हैं उधो। क्लियर हो गया ना? अब फिर ये तो प्रेमो की बातें हैं उधो। अलाप इसमें ओ रे मा गा रे, ये अलाप है ओ, ठीक है। ओ ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो। फिर बंद की तेरे बस की नहीं है। बंद की ठीक, बंद की तेरे बस की। अब यहाँ पर बंद की, बंद की नी और रे, बंद की ते नी, हमारा कोमल नी, रे गा, बंद की तेरे बस की नहीं है। हमारा कोमल धानी रे सा नहीं है। बंद की तेरे बस की नहीं है, ठीक है। फिर अंतरा इसकी। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, दोनों की अंतरा एक ही तरीके से निकलेगी जैसे याली। ये तो प्रेमों की बातें हैं उधो, इसकी भी और उसकी भी दोनों अंतरा सेम निकलेंगी। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, फिर देखो एक बार। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, पापा पापा धानी धापा। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, पापा पापा पा धानी धापा मा। इनकी पूजा में मा पागा इनकी पूजा, ठीक है। इनकी पूजा सुन लो उदो, सुन लो उदा। गाधा पा। फिर एक बार समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, फिर देखो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन लो उधो। यहाँ दम दम, दोनों तरीके से। यहाँ दम दम पे होते हैं सौदे, वही मुखड़ा है हमारा, ठीक है। जो दूसरी तरह हमने आपको बताई थी वो, इसको में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए की तरह है, ठीक है। कहने का मतलब इस पर जो है, जिंदगी एक किराए कदर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तर्ज है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और हाथ जोड़कर निवेदन है भैया,
प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।